के घर में के लिए अपने एक दिन प्रतिष्ठान बनने का एक साल भी करना पड़े तब भी करने को तैयार होगा। मेरे से किसी ने प्रश्न किया कि महाराज आप देश के लिए समर्पित रहेंगे, पहले देश की बात आएगी या धर्म की बात, तो आप देश की रक्षा की बात करेंगे कि धर्म की रक्षा की बात करेंगे? तो मैंने कहा मैं सबसे पहले देश की रक्षा की बात करूंगा, मेरा देश सुरक्षित रहेगा तो मेरा धर्म सुरक्षित रहेगा। लेकिन आज जब बात आई है धर्म की बात और धर्म की बात सामने आई है तो मैं अपने धर्म के लिए कहूंगा मेरा धर्म सुरक्षित रहेगा तो मेरी साधना सुरक्षित रहेगी, और धर्म सुरक्षित नहीं रहा तो साधना कहां सुरक्षित हो पाएगी। इसलिए धर्म को जयवंत करना है, धर्म को आपको इस माहौल को और अच्छा माहौल बना करके और एक साथ आप लोग जाए पुनः वापस वहाँ से। आज हम अपनी शक्ति के साथ आए हैं, आज हम मोदी जी से कहना चाहते हैं आप सिर्फ हमें जैन समाज को सिर्फ आश्वासन देते हैं, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन। अब जैन समाज की महिला शक्ति हो या पुरुष कोई पीछे नहीं रहेगा, आपका सिर्फ झूठा आश्वासन नहीं चाहिए, चाहे वो शिखर जी पर हो चाहे संथारा पे हो, आप सिर्फ ऐसे ही अमली ही देते जाते हैं, हमें कुछ नहीं करते। अब आपसे अनुरोध है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया जाएगा। अब हम सभी लोग चाहते हैं होना चाहिए जबरे महावीर भगवान की। यदि हम अपनी आवाज उठा सकते हैं तो हम दूसरों को भी आवाज दबाने के लिए मजबूर। बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना है और इसमें सभी का साथ है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर कोई किसी के ऊपर जब बाथरूम कर देता है तो उसके घर में बुलडोजर चलाई जाती है। सतत व्यवहार करते हैं और उनके साथ ऐसा ऐसी हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ ऐसी राजनीति को ऐसे लोगों को धिक्कार है, ऐसी मीडिया को धिक्कार है जो सही बात उठा, ऐसी मीडिया को धिक्कार है जो सही बात की सही आवाज उठाने में काबिल नहीं है। बंगलो भारत वर्ष का ऐसे में विनाश का समय आएगा जब ऐसे जैन साधु कोई भी धर्म के साधु हो और उनकी ऐसी निर्मम हत्या कर दी जाए, हमारे लिए सोचने की बात है, कलंक की बात है। कर्नाटक में आचार्य जैन मुनि काम कुमार नंदी जी महाराज की नृशंस हत्या के विरोध में आज संपूर्ण भारत बंद रहा। बंद में जैन समाज में काफी आक्रोश देखा गया, सभी जगह रैली मौन जुलूस निकाल देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे गए। इसी तरह मध्य प्रदेश के सभी छोटे बड़े शहरों सहित छोटे छोटे गांवों में जैन समाज ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर ज्ञापन सौंपे। शाहगढ़ नगर में आज दोपहर 1 बजे जनसंत मुनि उपाध्याय ब्रंजन सागर से जैन एवं जैनोत्तर समाज ने आशीर्वाद लेकर जो जुलूस निकाला तो उसमें अपार जनसैलाब, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े युवा पुरुष महिलाओं का हुजूम तहसील कार्यालय पहुंचा, जहां पर उपस्थित लोगों ने मुनि श्री काम कुमार नंदी जी के हत्यारों को फांसी की सजा की मांग के साथ साथ सभी हत्यारों के घर जहो जिहाद के साथ अन्य मांगों का ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के नाम अनुविभागीय अधिकारी बंडा को सौंपा। इस दौरान तहसीलदार शाहगढ़ एवं TI कृपाल मार्को अपने पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। सबसे ज्यादा चंदा हम लेते हैं, सबसे ज्यादा प्रचार हम करते हैं, लेकिन हमारे लिए कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है। तो ऐसे नेताओं को भी जूता मारने की जरूरत है, आज करने के लिए तैयार है। तब तक ये भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार जिन्होंने
इनके लिए हमारे आचार्यों के लिए इस तरह के निपीड़ित किया, जब तक उनके लिए फांसी की सजा ना देते हैं तब तक हम लोग कानून तो जब फांसी देगा। लेकिन यदि मौका आया तो जैन समाज अपने उग्र रूप में आ जाएगी और हमें भी कुचलना पड़ेगा, तो हम 300 जो लगने के लिए मंजूर है अगर हमने कर्नाटक की सरकार को बनाया है तो हम कर्नाटक की सरकार को हम यही कहना चाहते हैं, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ने इस देश को आजाद किया था, हम बहने भी कुछ कम नहीं है, हम भी इस जंग में शामिल है और अपने जैन समाज को आगे बढ़ाएंगे। जैन की सभी महिलाएं धरना देते हुए पदयात्रा करेंगे दिल्ली तक और हिला कर रख देंगे उस समाज के लिए जिन समाजों ने यह आघात शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए गए। जैन समाज सब समाज है, वहाँ चीजें के लिए भी ब्याह के भाव से देखा जाता है, पर हम दुखी है कि आज तक हमारे इस अत्याचार के खिलाफ कोई भी नेता न राष्ट्रीय न राज्य का कोई नेता आया है, कोई उसके कोई अफसर मौजूद निकले हैं। महानुभाव हम सरकार से चाहते हैं, हम लोगों को और हमारे साथी साथियों को सुरक्षा व्यवस्था की जाए। आज हम सभी लोग मौन जुलूस निकाल रहे हैं एवं मौन जुलूस विगत वर्षों से निकालते आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। जो दाग लगाया है उन्हें वीरान नहीं होने देंगे। शर्मा संस्कृति पे कोई यदि आ जाती है तो हम मिलकर के डट करके मुकाबला करेंगे। जो बाग लगाया है उन्हें वीरान नहीं होने देंगे, जो महल बनाया है उन्हें शमशान नहीं होने देंगे। जीवन में किसी भी मुसीबत आ जाए, यदि ऐसी कोई घटना होती है तो हम जान भी दे देंगे। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु में जैन संघ के निर्मम जघन्य हत्या जैसी दूसरी घटना राष्ट्र में ना हो, इस हेतु कड़े कानून बनाए जाने हेतु ज्ञापन आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, इस ज्ञापन को महामहिम राष्ट्रपति महोदय, श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय, श्रीमान महामहिम राज्यपाल महोदय को, श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय कर्नाटक सरकार बेंगलुरु को हम लोग यहाँ से प्रेषित कर देंगे। और ये विश्वास दिलाते हैं कि इस तरह की घटना हमारे क्षेत्र हमारे प्रदेश में ना हो, इसके लिए हम लोग प्रशासनिक तंत्र पुलिस तंत्र सारे विभाग जो भी सहायता जो भी सहयोग होगा हम आपके साथ हमेशा खड़े। कर्नाटक में राम कुमार महाराज नंदी महाराज जी की जो कर्नाटक में महिलाओं को हत्या हुई है उसके विरोध में शांतिपूर्ण मौन जुलूस शहर से निकाल कर यहाँ पर ज्ञापन के लिए सब लोग आए हैं। ज्ञापन संबंधित जहाँ भी पहुँचाना है हम लोग पहुँचा दिया जाएगा और मैं पूरी समाज के लिए प्रशासन की तरफ से वचन देता हूँ कि अपने क्षेत्र में प्रदेश में यहाँ किसी तरह की इस प्रकार की घटना नहीं, प्रशासन आपके साथ है। जैन समाज सायगढ़ द्वारा कर्नाटक में जो निर्मम हत्या हुई है उसके संबंध में ज्ञापन देने उपस्थित हुए हैं। मैं पुलिस विभाग एवं प्रशासन की तरफ से सभी जैन समाज को आश्वस्त कराता हूं कि जो भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी हम सुरक्षा करेंगे। ऐसे जैन मुनियों के और उनके प्रतिष्ठान हैं, मंदिर हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम वचनबद्ध हैं। यह निंदनीय घटना जैनाचार्य काम कुमार नंदी जी महाराज के चातुर्मास के दौरान उनकी निर्ममतापूर्ण बीभत्स हत्या कर शरीर के टुकड़े टुकड़े कर नलकूप में डालने की घटना से पूरा देश ही नहीं अपितु विश्व सहम गया है। इसके बावजूद राष्ट्रीय चैनल एवं अधिकांश बड़े नेता व सरकार मौन होने पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इस निंदनीय घटना से भारत शर्मसार होने के साथ साथ कर्नाटक के गौरवशाली इतिहास पर काला धब्बा लगा दिया है। ज्ञापन का वाचन एडवोकेट अरविंद जैन ने किया एवं अंत में आभार व्यक्त नगर परिषद उपाध्यक्ष पुनीत जैन पत्रकार ने किया। अभियान की अहिंसा परमो धर्म की मैं सभी
जैन जैनतर समाज के छोटे बड़े बच्चे महिलाओं जिन्होंने इतनी कड़ी धूप में अपनी सभी ने दुकानें बंद रखी आज और इतनी कड़ी धूप में पैदल चलकर यहाँ पर आए, आप सभी का मैं बहुत बहुत आदमी आभार व्यक्त करता हूँ। और इतने में अभी अपना विरोध खत्म नहीं हो रहा है, अगर शीघ्र ही कोई निर्णय ठोस नहीं आया तो आगे तैयार रहेंगे हम लोग। तो जैन समाज, क्योंकि हमारा उद्देश्य है पाप से डरो, पापी से नहीं, पाप से डरना है अपन को, पापियों के लिए अगर अपन को सजा दे।